नए चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कार्यभार संभाल लिया है और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार का निज़ाम चल रहा है और जिस तरीके से जंगल राज बनाया हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे हमें निजात मिलेगी, ये हम चीफ सेक्रेटरी महोदय से उम्मीद रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खुलेआम सरकारी खजाने को चूना लगा रही है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटा जा रहा है, उसका संज्ञान चीफ सेक्रेटरी महोदय को लेना होगा। देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके छोटे छोटे वर्कर्स जो हैं वो सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, मिनिस्टेरियल बंगलों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी उनको बाहर नहीं निकाला गया है। इसी तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर इनके कब्जे हैं, लेकिन उनसे उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक कि रोशनी स्कैम में जब बीजेपी के नेताओं का नाम आया तो इस सरकार ने रोशनी स्कैम का जिक्र तक करना बंद कर दिया। इसी तरीके से सरकारी गाड़ियों के ऊपर बीजेपी के नेताओं ने कब्जे किए हैं, सिक्योरिटी व्हीकल्स के ऊपर बीजेपी के नेताओं और वर्कर्स ने कब्जे किए हुए हैं, 10-10 PSO इनको मिले हुए हैं, इन PSO से बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने घर में काम करवा रहे हैं, खेतों में काम करवा रहे हैं और जहाँ तक कि गाय भैंसों से दूध लेने के लिए भी PSO इस्तेमाल किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, जो टैक्स पेयर्स मनी की सबसे बड़ी लूट है। इसी तरीके से उधमपुर में हाल ही में जो RTI के माध्यम से एक खुलासा हुआ है कि जो वोटों में प्रशासन द्वारा जो है वो रिगिंग करवाई गई बीजेपी के हक में, क्योंकि ये पता चला है कि जितने वोट पड़े थे उधमपुर में अलग अलग DDC कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उससे अलग फिगर्स जो है वो बैलेट बॉक्सेस से निकल रहा है और इससे इसके अलावा बहुत सारे सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स हुए हैं। जिस तरीके से उधमपुर के इंतजामियों को इस्तेमाल किया गया इलेक्शंस के लिए बीजेपी के नेताओं द्वारा, वो भी भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसका संज्ञान भी जो है वो लेना होगा। और चीफ सेक्रेटरी महोदय से हम कहना चाहते हैं कि जो चोर दरवाजे से नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर में, जितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पीछे, उनका संज्ञान लीजिए और उन अधिकारियों के खिलाफ और उन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मिलीभगत से हजारों की तादाद में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स करके एक भ्रष्टाचार का यहाँ जो है एक बहुत बड़ी मिसाल जम्मू कश्मीर में कायम की है। इस भ्रष्टाचार से निजात चीफ सेक्रेटरी महोदय दिलाएंगे, ऐसा हम यकीन रखते हैं।